आप याद करिए 2017 के पहले जो सरकारें हुआ करती थी, जब नौकरियां निकलती थी तो नौकरी पर लोग अपने घर को खेत को बेच करके तब अपने बेटे बेटी की नौकरी लगाने के लिए पैसा दे करके तब नौकरियां लगती थी और नौकरी की बोली लगती थी, कौन 10 लाख दे रहा है, कौन 15 लाख दे रहा है, कौन 20 लाख दे रहा है। समाजवादी पार्टी के सरकार में चुन चुन करके पूरे केवल इटावा मैनपुरी और सैफई में ही दी जाती थी, पूरे प्रदेश के यादव को भी नौकरी नहीं दी जाती थी। बसपा के समय में थोड़ा डिस्काउंट था कि भाई दलित है तो इससे 5 लाख लेंगे, अगर बैकवर्ड है तो 10 लाख और फॉरवर्ड है तो 15 लाख। लेकिन आज व्यक्ति छाती ठोक करके कहता है 1 रुपया नहीं देना पड़ा, 1 पैसा नहीं देना पड़ा और आदमी हमारे बेटे की नौकरी मेरिट के अनुसार पर लगी है, उसकी काबिलियत के अनुसार पर लगी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इन 7 सालों में लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया, लाखों लोगों को नौकरी देने का काम किया।